मैंने कई भक्तों से कहा, कई बार जब मैं अपने भक्ति शास्त्री छात्रों को पढ़ाना शुरू कर रहा था, जब आवश्यक औपचारिकताओं के बाद मैंने कक्षा में प्रवेश किया, शुरू करने के लिए मैंने गीता ली, सभी छात्रों ने अपने हाथ में भगवद गीता पकड़ी हुई थी। मैंने भक्तों से पूछा, भगवद गीता आपके हाथ में है, लेकिन आप गीता को अपने हाथ में लेकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अलग अलग भक्त अपना अपना एहसास दे रहे थे। प्रभुपाद ने रोटरी क्लब चंडीगढ़ में अपने बयान में कहा था, धन्यवाद सज्जनों, आप सभी यहाँ यह सुनने के लिए आए हैं कि कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमने भगवद गीता को अपने हाथ में लिया है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कृष्ण को हमसे बात करते हुए सुनना चाहते हैं। हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने भगवद गीता को जो अपने हाथ में लिए हुए हैं, इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों को अपने हाथ में पकड़कर हम सुनना चाहते हैं कि कृष्ण ने हमें क्या दिया है और वे हमें क्या संचारण कर रहे हैं। प्रभुपाद की किताबों के प्रति मेरा यही दृष्टिकोण है, और जो भक्ति शास्त्री या भक्ति वैभव अध्ययन करने के लिए आ रहे थे, उन तक मैं यही भाव पहुंचाता था। वही सिद्धांत, जब आप प्रभुपाद की कोई भी पुस्तक अपने हाथ में लेते हैं तो हम प्रभुपाद से कुछ सुनना चाहते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पूरा ध्यान दें, सचेत रहें। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.